जल्द मिलेगी सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी, शिवराज की सत्ता पर मंडराया संकट, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। बता दें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी एक साल का वक्त शेष बचा हो, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश को अपने रडार पर ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन के दौरे के ठीक 5 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। एक दिन के अपने दौरे के दौरान अमित शाह राजधानी भोपाल और ग्वालियर में 2 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल एवं ग्वालियर दौरे को मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान सबकी निगाहें उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के जय विलास पैलेस जाने के कार्यक्रम पर टिकी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद यह पहला बड़ा मौका होगा जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़ा कोई व्यक्ति महल आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के जय विलास पैलेस में आगवानी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी कमान अपने हाथों में संभाल रखी है। ग्वालियर चंबल की सियासत में सिंधिया का महल सत्ता के एक स्थापित केंद्र के रूप में देखा जाता है और इसका अपना एक प्रभाव है। जनसंघ की संस्थापक राजमाता विजय राजे सिंधिया के बाद माधवराव सिंधिया और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया महल का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। सिंधिया लगातार अपने दौरे के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर चंबल अंचल किंगमेकर की भूमिका में रहता है। भाजपा और कांग्रेस जो भी ग्वालियर चंबल अंचल में जीतती है उसकी ही प्रदेश सरकार बनती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों में से भाजपा 9 सीटों पर सिमट गई थी और उसको सत्ता से बाहर होना पड़ा था। 2020 में सिंधिया के अपने समर्थकों के साथ भाजपा में आने के बाद एक बार मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में लौट आई है। ऐसे में प्रदेश की सियासत में सिंधिया महल की अपनी एक भूमिका है। फिलहाल इस मामले में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए सरोकार इंडिया से जुड़े रहें। सरोकार इंडिया न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।